नमस्कार। कला और संस्कृति का अद्भुत ज्ञान लिए मैं अपने पिटारे को लेकर आप सभी के सामने एक बार वापस से उपस्थित हो गई हूँ आपके फेवरेट शो कैनवस क्लिक में। तो क्या ऐसा भी है कि हमें एक ज्ञान देने के लिए, जैसे हम बच्चों को कभी कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, तो अगर उनको ये बोलना है कि आप प्रेस के पास मत जाइए, गर्म चीज के पास मत जाइए, आप जल जाएंगे, तो हम एक स्टोरी नरेट करते हैं। बिल्कुल, किसी भी फिक्शन स्टोरी को क्रिएट करता है कि एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था, उनको जल गया था तो उनको बहुत दुख हुआ था। तो क्या रामायण भी कुछ इस तरीके की कहानी है जो फिक्शन है, किसी ने देखा नहीं था लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भगवान राम की कल्पना की गई, उनके 14 साल के वनवास की कल्पना की गई, क्या कल्पना आधारित है वो? ये भी एक विमर्श है, लोग कहते हैं कल्पना है, कुछ लोग कहते हैं कि यथार्थ है। लेकिन जब आप देखिए रामायण क्या है, रामायण मनुष्य के अंदर जितने भाव है वही रामायण है। जो आपका ज्ञान है, मस्तिष्क है, ये राम है, है ना। जो आपके अंदर जो शक्ति है वो सीता है, जो श्वास है ये हनुमान है, ठीक ना। जो हृदय है वो सुग्रीव और बाली है, जो शरीर है ये भरत है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो शत्रुघ्न है। होता क्या है, बेहतर जो रचनाएं होती हैं, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि कोई भी सिद्धांत वही बड़ा होता है जो माइक्रो लेवल और मैक्रो दोनों पे एक हो। तो जब आप रामायण की बात करते हैं, कैसे ये सर्वकालिक कैसे बन सकता है, टाइमलेस कैसे हो सकता है, जब उसको हर लेवल पे उसकी पुष्टिकरण हो कि जब हम अपने मनोजगत पे जाएं तो वही सिद्धांत मिले, जब हम बाहर जाएं व्यवहार जगत में, परिवार में देखें तो वही चीजें मिले, जब हम हिस्ट्री का पार्ट बने तो वही मिले, और जब हम पूरी कॉस्मिक प्रिंसिपल को समझना चाहे तो भी वही मिले। तो रामायण को ये कहना है कि ये कल्पना है, ये भी गलत है। हाँ, लेकिन जब होता है कि जब कोई रचनाकार किसी सिद्धांत को लेकर कोई चीज रचता है तो उसमें कलात्मकता लाता है, उसमें सौंदर्य लाता है, उसमें कुछ घटनाएं ऐड करता है, कुछ हटाता है। तो भाई दशरथ तो थे, राम भी थे, उनकी पूरी इक्ष्वाकु वंश की जो पूरी जो फैमिली ट्री थी वो हम सबको पता है, दिलीप से लेकर और पूरा हरिश्चंद्र से लेकर सब आते हैं उसमें। तो वो तो हुए थे, अयोध्या अभी भी है, श्रीलंका अभी भी है, जितनी घटनाएं बताई गई है सब कुछ मौजूद है आपके। तो ये कहना है कि वो गलत है या नहीं हुआ, ये गलत बात है, क्योंकि हमारे उस समय इतिहास लेखन जो था उसकी पद्धति ऐसे नहीं थी जैसे अब हम लिखते हैं। उस समय हम क्या करते हैं कि अपने पुराणों में ही, अपने शास्त्रों में ही विज्ञान भी लिख देते थे, इतिहास भी लिख देते थे, सारी चीजें कंपोजिट फॉर्म में होती थी, तो जो शास्त्र पढ़ते थे उनको सब पता होता था। आज ये ब्रांचेस हो गए, इतिहास अलग लिखा जाएगा, सोशियोलॉजी अलग लिखी जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी अलग लिखी जाएगी, एस्थेटिक्स अलग लिखा जाएगा, उस समय ऐसा नहीं था। यानी कि ये कोई ऐसी घटना है जो हमसे अभी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है और उसको एक एग्जांपल के तौर पर हम अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको शामिल करके अपने आप को बेहतर बना सकते। बिल्कुल, क्योंकि महाभारत के पीछे भी ऐसी कहानियां हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद में सत्य चित और आनंद तीन तल है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये कला जगत में मैं जब जाता हूँ तो बताता हूँ। सत्य जो है, ईश्वर सत्य है, तो वो कहता है कि आप मुझे विज्ञान के तरह भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। सत्य क्या है, विज्ञान का तत्व है ना, जहाँ पे तर्क है, जहाँ समझ है, जहाँ विश्लेषण है। वो कहता है कि आप मुझे चेतना के तौर पे भी आप मुझे समझ सकते हो, जो चित्त है ना, जो धर्म का क्षेत्र है, अनुभूति का क्षेत्र है। और तीसरे लेवल पे कहता है कि आप मुझे आनंद के रूप में भी प्राप्त कर सकते हो, वो कला तत्व है। तो एक कलाकार जब भी किसी विषय के पास जाता है तो वैज्ञानिक भी होता है और धार्मिक भी होता है। इसीलिए कलाकारों में दोनों गुण आपको मिलेंगे, वो तर्क भी होगा उसके अंदर, उसके अंदर अनुभूति भी होगी, भावतल भी होगा। तो यानी कि ना सिर्फ हमारे आसपास प्रकृति में हम जितनी चीजें देख रहे हैं उनमें इतना ज्ञान और उनका इतना बड़ा इतिहास है, उनमें जानने के लिए बहुत कुछ है। आपने नदियों का एक एग्जांपल जिस तरीके से लिया था, वैसे ही हमारे काव्य, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम अपने अगले एपिसोड में उन पर बात करें और आप उनसे रिलेटेड जो भी आपकी जो समझ है, आपका ज्ञान है, वो हमसे शेयर करें। बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल करेंगे। बहुत कम समय में हम आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज्ञान एक समुद्र की तरह है जिसका कोई छोर नहीं है। आप जितना इसमें जाएंगे उतना ही आपको लगेगा कि थोड़ा सा और जान लेते हैं, और यही क्यूरियोसिटी यहाँ बैठकर मुझे होती है जब मैं अरविंद सर से बात करती हूँ, हमेशा लगता है कि थोड़ा और जान लेते हैं। इसी बात को कंटिन्यू रखेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।